नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वासुमनी बेबी केयर में। आज मैं आपको नवजात शिशु को कैसे कपड़े पहनाएं, हाउ टू ड्रेस यूर न्यू बॉर्न बेबी, इसके बारे में बात करेंगी। तो दोस्तों, नवजात की त्वचा जो होती है बहुत ही कोमल होती है, इसलिए हमेशा उसको ऐसे ही कपड़े का चुनाव करें जो उसके लिए आरामदायक हो। शिशु के लिए हमेशा ऐसे कपड़ों का चुनाव करना है जो उसके शरीर पर फिट आए और उसे कपड़े बदलते समय किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। अगर आपका बच्चा आरामदायक कपड़े पहनेगा तो वह आराम से रहेगा। तो शिशु को धूप से बचाने के लिए टोपी या हैट पहना सकते हैं, मगर सुनिश्चित करें कि वह चौड़े रिम वाली टोपी हो और आराम से फिट होती हो। इसलिए इलास्टिक पट्टी के सपोर्ट वाली हैट ना लगाएं, क्योंकि वह बच्चे को तंग कर सकती है और इससे उसके रक्त परिसंचारण पर दबाव पड़ सकता है। तो गर्मियों में मौसम में शिशु को ठंडक देने वाले सूती कपड़े पहनाएं। सिंथेटिक कपड़े इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वे गर्माहट को अंदर ही रोकते हैं और बच्चे के लिए बहुत तकलीफदेह हो सकते हैं। इसके कारण बच्चे को घमौरिया भी हो सकता है। धूप में बाहर निकलते समय शिशु के लिए लंबी बाजू के हल्के कपड़े चुनें। कपड़े की नैपियाँ शिशु के लिए ज़्यादा आरामदायक हो सकती हैं। ये गर्मी और डिस्पोजल नैपी पहनाने से होने वाले ददोरों यानी नैपी रैश से भी बचाएगी। अगर आपको डायपर पहनाना ही पड़े तो शिशु को ठंडे वातावरण में रखें और तापमान के अनुसार उचित कपड़े पहनाएं। सर्दियों में शिशु के कपड़े गर्म, नरम और आरामदेह होने चाहिए, जिनमें कोई जिप या टैग ना लगा हो। बच्चे के हाथ पैर गर्म रखने के लिए उसे दस्ताने और मोजे पहनाने चाहिए। उसका सर टोपी से ढकना चाहिए। बच्चे को कई बार ऊनी कपड़े से एलर्जी हो जाती है, जिससे उसके शरीर पर रैशेस हो जाते हैं। इसलिए कपड़े तापमान के हिसाब से ही पहनाने चाहिए। बच्चे को सीधा ऊनी कपड़ा पहनाने के बजाय पहले उसे सूती कपड़े पहनाने चाहिए और उसके ऊपर से बच्चे को ऊनी कपड़े पहनाने चाहिए। इन चीज़ों का इस्तेमाल से आप अपने नवजात शिशु की बेहतर और अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हैं। थैंक यू।